हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और सिंपल से वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, कुछ कोई भी आप तेज की ले लीजिए जिसमें भी आपने अपने राइस बनाने हैं। तो उसमें मैंने एक मीडियम साइज का जो है प्याज कट कर लिया है। अब इस प्याज के अंदर तकरीबन आधा कप ऑयल डाल देना है और इसको ब्राउन कर लेना है। बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर रही, लाइट सा ब्राउन करना है। इसके अंदर डाल देना है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और एक चम्मच मैंने गर्म मसाला साबुत लिया है। इन सबको कूट लेना है और इसकी अच्छी सी पेस्ट बना देनी है। तो ये इसलिए ऐड करें क्योंकि जब आप मिक्स वेजिटेबल ऐड करते हैं तो उसका सारा जो बादी पन है वो दूर हो जाता है और टेस्ट भी जो है राइस में बहुत अच्छा सा पुलाव का टेस्ट बन जाता है। तो बस इसको भी हल्के से सॉटे कर लेना है और साथ में इसमें डाल देना है टमाटर। मैंने यहाँ पे एक टमाटर जो है वो थोड़ा सा बड़े साइज का टमाटर था वो इसमें ऐड किया है। इससे राइस बहुत ही मजेदार बनते हैं और बड़ी जबरदस्त से आपकी वेजिटेबल पुलाव जो है वो बन के तैयार होता है। तो बस अब इसमें आपने ऐड कर देना है एक चम्मच नमक का और मैं यहाँ पे 1.5 कप जो है वो चावल बना रही हूँ तो उसके हिसाब से मैंने स्पाइसेस ऐड की हैं। एक चम्मच ही मैंने ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर का और आधा चम्मच मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर का। तो बस अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है। हल्दी इसमें नहीं जाएगी। अगर आपको पसंद है थोड़े से ब्राइट कलर के राइस तो आप हल्दी थोड़ी सी डाल सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो बस इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि अच्छे से मसाला जो है वो भुन जाए। तो अब ये मसाला भुन चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक क्यूब, कोई भी आप स्टॉक क्यूब ले लीजिए, चिकन कनोर क्यूब ले लीजिए और इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे अब मैंने वेजिटेबल्स ले ली हैं, आलू लिए हैं, शिमला मिर्च, गाजर और थोड़ी सी बंद गोभी। आप अपनी पसंद की कोई सी भी वेजिटेबल ले सकते हैं और क्वांटिटी जो है अगेन आप जितने राइस बना रहे हैं उसके हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए थे, 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च और थोड़ी सी बंद गोभी और इन सबको अच्छे से भून लेना है। और इसमें कनोर क्यूब का जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही जबरदस्त आता है और चिकन की कमी जो है वो बिल्कुल पूरी हो जाती है। तो बस अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी काली मिर्च मैं ऐड करूंगी, उससे इसका फ्लेवर जो है वो और भी ज्यादा एनहेंस हो जाएगा। तो जस्ट मैंने थोड़ी सी फ्रेश ब्लैक पेपर जो है वो इस पे छिड़क दी थी ताकि ये अच्छे से पक जाए उसमें भी। और अब देखें कि ये भुन चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सेट हो गया है, थोड़ा सा पक भी गया है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 कप पानी के। मैंने यहाँ पे 1.5 कप चावल बनाए हैं तो उसके हिसाब से मैंने 3 कप पानी ऐड किया है। आप जितने भी चावल बना रहे हैं उसके हिसाब से आप पानी की क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। तो बस अब यहाँ पे जैसे ही ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा पानी, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चावल। चावल जो है वो ऑलरेडी मैंने वॉश करके आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। भिगोने से ये होता है कि चावल आपके बहुत ही अच्छे और खिले खिले से बन जाते हैं। तो बस अब ये यहाँ पे सारे चावल जो है वो मैंने ऐड कर दिए हैं। एक दफ़ा बस चम्मच हिलाएंगे, चावलों को जो है सारे मसाले के अंदर मिक्स करेंगे और बस इसको कवर कर देंगे। अब आपने यहाँ पे फ्लेम को हाई रखना है, लो फ्लेम पे बिल्कुल भी चावलों को नहीं पकाना है, अदरवाइज चावल जो है वो अच्छे से पकेंगे नहीं। तो हाई फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए मैंने इनको पकाया है। तो इस स्टेज पे देखें कि पानी अभी इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा मौजूद है। तो बस इसको अगेन हम कवर कर देते हैं और अभी भी मैंने आँच जो है इसकी हाई फ्लेम ही रखा है। और बस जैसे ही ये थोड़े से और मजीद पक जाएंगे तो देखिए कि इस स्टेज पे अब यहाँ पे राइस जो है वो देखें कि कुछ थोड़े से पानी जो है वो इनका कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है और इसमें 2-3 कनी जो है वो बाकी है, यानी कि चावल पूरी तरह से पके नहीं है। इस स्टेज पे मैं इसको दम पे लगा दूंगी। दम पे लगाने का मतलब ये है कि आपने इसको अच्छी तरह से कवर करना है ताकि कहीं से भी इसकी जो भाप है वो बाहर ना आए। तो बस यहाँ पे झाड़न आप ले लीजिए, कोई सा भी आपका जो भी किचन टॉवल है उसको आप रख लीजिए और नीचे इसके रख दीजिए तवा और बिल्कुल फ्लेम को आप लो कर दीजिए और इसको 10 से 15 मिनट तक दम पर लगा लीजिए। और बहुत ही ज़बरदस्त से 10 मिनट के बाद राइस देखें कि बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है और बहुत ही खिले खिले से और ज़बरदस्त सा कलर इनका आया है। तो ये आप बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके जो वेजिटेबल पुलाव है वो कैसे बना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मजीद रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो कल तक की रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़।